Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English. हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है. Welcome to the ECLE. कैसे हैं आप लोग? I hope आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे. और स्वागत है आपका इस क्लास में ECLE के. और आज कोई स्पेशली वीडियो लेक्चर नहीं है. आज मैं आपको कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला, कोई अलग से मैं मॉडल्स नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहना, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो आज की क्लास में हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंसेस इन द स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश में इम्पोर्टेंस सेंटेंस का क्या महत्व है, मैं आज को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. क्योंकि बिना सेंटेंस के यू कैन नॉट बी गुड स्पीकर, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंस. क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंसेस. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेंटेंस को प्रैक्टिस कैसे करना है, हाउ टू प्रैक्टिस द सेंटेंसेस. मैंने बताया भी होगा लेकिन आज मैं अच्छे से बताता हूँ. और आपको आपको करना क्या है, क्योंकि आपने बहुत सारी ग्रामर पढ़ ली है, सब कुछ पढ़ लिया, एवरीथिंग, बट यू हैव टू स्टार्ट टू मेकिंग द सेंटेंस. आपको सेंटेंस बनाना स्टार्ट करना है, आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना है. ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे फॉर द स्पोकन इंग्लिश. और हम कह सकते हैं इट इज द बैकबोन ऑफ द स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश की बैकबोन है. बिना सेंटेंस के प्रैक्टिस के यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. ओके, तो सबसे पहले मैं करना क्या है, फर्स्टली देखो, आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन आपको लेना है. आई कैन टेल यू ओनली, मैं आपको केवल बता सकता हूँ आपको करना क्या है. चलना आपको पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? करना आपको पड़ेगा. अंडरस्टैंड? आप आई होप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 100 सेंटेंस के जो मिक्स सेंटेंस है, मिक्स सेंटेंस आपको 100 बनाना डेली अपनी कॉपी पर. किस पर? मिक्स सेंटेंसेस आपको बनाना है. कहाँ पर बनाना? कॉपी पर आपको मिक्स सेंटेंस बनाना है. अंडरस्टैंड? आप मिक्स सेंटेंस बनाओगे आप बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा. समझ रहे हैं ना? तो मिक्स सेंटेंस डेली मिक्स सेंटेंस आपको बनाना है. मिक्स सेंटेंस की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस की डेली. ओके, तो अपनी कॉपी पर सेंटेंस बनाना है. क्यों बनाना है कॉपी में? क्योंकि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है आपको इम्प्रूव हो सके, आपकी थिंकिंग डेवलप हो सके. क्योंकि अगर आप सोच नहीं पाओगे, थिंक नहीं कर पाओगे, तो आप बोलोगे कैसे, हाउ विल यू स्पीक. सो स्टार्ट टू थिंकिंग. आपको सोच कर डेली सेंटेंसेस बनाना है, 100 सेंटेंस. मिक्स सेंटेंस मैंने आपको 6 प्रकार के सेंटेंस आपको बनाना सिखाए हैं ना, याद है ना? हर बार सिखाता हूँ ना, एक अफर्मेटिव रहता है, दूसरा नेगेटिव रहता है, इंटरोगेटिव रहता है इंटरोगेटिव नेगेटिव रहता है, क्वेश्चन वर्ड रहता है, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, क्वेश्चन बाय इंटरग्रेट नेगेटिव, 6 प्रकार के. तो 6 प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे. आप करके देखना, डेली 100 सेंटेंस बनाना डेली. इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो यू विल हैव टू मेक द सेंटेंस. आपको सेंटेंस बनाना ही पड़ेगा. सेंटेंस को बना, ये मत समझना कि मैंने एक ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं. यस आई न्यू इट, मैं जानता हूँ कैसे बनाया जाता है. आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा डिफरेंट टाइप से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं. मेक सेंटेंस डेली, 100 सेंटेंस आपको क्या करना डेली. सेकंड क्या करना? सेकंड आपको स्पीक सेंटेंसेस मिक्स. आपको मिक्स सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आईने के सामने आपको सेंटेंसेस बोलने हैं, वाक्य बोलने हैं, हिंदी से अंग्रेजी में.
कैसे बोलना है? पहले बोलेंगे हिंदी में, फिर जो भी दिमाग में आए, जितना भी आपने पढ़ा है, सब आपको बोलना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, के सामने, आईने के सामने। मतलब बता, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन करना किसको है? आपको करना, यू हैव टू, आपको करना, यू हैव टू डू। ओके, तो स्पीक सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एक हिंदी में, एक हिंदी में, हर बार बताता हूँ, बता सकते हैं, सोच सोच कर बोलो। मैं भी ये बोलता हूँ कि अगर आप 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है 20 सेंटेंस आए आधा आधा मिनट में, मतलब आधा मिनट में एक एक सेंटेंस आए, एक मिनट में दो सेंटेंस आए, लेकिन कम से कम आएंगे। स्टार्ट तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो हिंदी संग्रह सोच सोच कर, ऐसे नहीं कि बहुत आसान आराम से बोल लो, ऐसे बोल सकते हैं, क्या वह बहादुर है? इज ही ब्रेव? मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। वाई डॉक्टर बनना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू बी डॉक्टर। क्या मैं अंदर, क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ? कैन आई स्टडी? उसे पढ़ना ही चाहिए था, ही मस्ट हैव स्टडीड। बच्चे किस प्रकार खेल रहे हैं? वॉट टाइप आर चिल्ड्रन प्लेइंग? आईना लटका हुआ है, मिरर इज हैंगिंग। मैं आईने को देख रहा था, आई वॉज लुकिंग ऑफ मिरर। आप कैसे हो? हाउ आर यू? वह बहुत अच्छा नहीं है, वह बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड। उसके पास समय है, ही हैज़ टाइम। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे बोलना है आपको, ऐसे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोलना है, देखकर आपको हेजिटेशन फील नहीं करना। तो आपके लिए सेंटेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। आप अगर सेंटेंस बनाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको अंग्रेजी बोलने से। Nobody can stop you. Just you have to determine. Just you have to determine that I have to make the 100 sentences. I have to speak the sentences. मुझे सेंटेंस बोलना है, मुझे सेंटेंस वाक्य बनाने हैं हिंदी से अंग्रेजी में। तो आपके, आपकी क्या डेवलप होगी? थिंकिंग प्रोसेसेस डेवलप होगी। तो फर्स्ट क्या हो गया? मिक्स सेंट, क्या करना है? 100 डेली सेंटेंस बोलना है, मिक्स सेंटेंस बोलना है। आ गया ना? बिल्कुल आ गया, ठीक है। थर्ड आप क्या कर सकते हो? थर्ड आप ये कर सकते हो कि आप सेंटेंसेस को समझ सकते हो। कैसे? आपको कैसे प्रैक्टिस करने में, आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है? आपको जो भी आपके दोस्त हैं, आपके, जैसे आप घर में सीख रहे हो इंग्लिश, तो आपके छोटे होंगे या बड़े होंगे, तो आई होप आपने कॉपी बनाई होगी जो जितना मैंने पढ़ाया है। तो उनको बोलो, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है या तुम्हारा कोई हो, तो उससे बोलो सेंटेंस पूछो मुझसे। क्या करो? सेंटेंस पूछो, मतलब आस्क सेंटेंस, आस्क सेंटेंसेस। किस में पूछना है उसको? एक बार कॉफ़ी दिखा दो कि ऐसे ऐसे, थोड़ा सा समझदार व्यक्ति को आपको पकड़ना है, ठीक है, कि टू बी वर्ब का ऐसा सेंटेंस है। और उसको बोलो कि हमें ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस मुझसे पूछो, आपको, आप सोच सोच कर पूछो। तो उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, उसको भी वो होगा, क्या होगा, जो आपका सामने वाला अनदर पर्सन होगा, उसको भी मतलब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, इसी की जिज्ञासा होगा। तो बोल, पूछ सकते हैं कि जैसे आपने लिस्ट दे दी, इंडेक्स भी बनाया होगा, जैसे टू वर्क के हैं, टू पास्ट के, टू फ्यूचर का है। तो इसी प्रकार के जो सेंटेंस है, इसी प्रकार के आप सेंटेंस बोलो, तो वो प्रैक्टिस करेगा, वो आपको पूछेगा सेंटेंस। जैसे बोल सकते हैं, क्या तुम बहादुर हो? उसने पूछा, तो बोलो आर यू ब्रेव? भाई खुश क्यों नहीं होगा? वाई विल ही नॉट बी हैप्पी? उसके पास मकान होगा, क्या उसके पास मकान होगा? विल ही हैव, क्या विल ही हैव व्हाट? हाउस। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ECLE का जो टेलीग्राम चैनल है, किसका? ECLE की टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, कर सकते हो। तो वहाँ पर एक, वहाँ पर मैंने आजकल एक नई चीज़ कर रहा हूँ कि कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। हो सकता है मैं ना हूँ, लेकिन कोई ना कोई बच्चा रहेगा, ठीक है। अगर अगर जो नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन मैं खोल रहा हूँ जो वॉइस चैट कहलाती है। क्या कहलाती है? वॉइस चैट, ठीक है।
तो वॉइस चैट रहती है, किसमें रहती है, ईशियली पर एक वॉइस चैट का ऑप्शन रहता है, मैं उसको ऑन कर देता हूँ। तो उसमें आपको क्या करना कि एक टाइमिंग सेट कर दूंगा मैं, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, बताऊँगा। तो उसमें एक घंटे के लिए अब वो खुला रहेगा, किसके लिए, एक घंटे के लिए आपको ग्रुप में नज़र बनानी पड़ेगी, ठीक है, वो खुला रहेगा और आप वहाँ पर सेंटेंस पूछ सकते हैं अपने पार्टनर से, जो आपका भाई है, बहन है, कोई भी दोस्त है, वो इस ग्रुप में बहुत सारे लोग रहेंगे, तो उनसे सेंटेंस वॉइस चैट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो ऐसे में क्या होगी, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, आपको सोचना होगा, ट्रांसलेशन की जरूरत पड़े, ट्रांसलेशन आपका इम्प्रूव होगा। तो अगर आप मिक्स सेंटेंस स्पीकिंग सेंटेंस को बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर आप ऐसा कर लिया, 100% मैं आपसे कह सकता हूँ, यह क्लास कह सकता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और आपको ये अब स्टार्ट कर देना है, वैसे तो जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, ये मैंने पहले ही बताया हुआ वीडियो से, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं थोड़ा सा एक अलग वीडियो बनाऊँ, ठीक है, अलग से, क्योंकि ग्रामर तो हम बहुत सारी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे ना, रहोगे ना चैनल पर, वो तो हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन यह भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की छोटी सी क्लास थी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन यह आपके लिए क्या रहेगी, बूस्टर साबित रहेगी। सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो एज मच इज़ पॉसिबल, सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने जो YouTube पे देखा होगा ना थोड़ा सा, कि ये कैसे बनते हैं, तो वो क्या आप सोचते हैं ना, आप भी सोचो उस प्रकार के, मैं आपको थिंकिंग डेवलप करा रहा हूँ, इंग्लिश स्पोकन का मतलब है थिंकिंग डेवलप करा रहा हूँ, ना कि मैं आपको रटा रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ ये सेंटेंस कैसे बनेगा, अच्छा सा थंबनेल लगा देता, यह सेंटेंस कैसे बनाएंगे, गई भैंस पानी में, बताते ना गई भैंस पानी में कैसे बनाएंगे सेंटेंस, सुई में धागा डालो, बताते ना सर ऐसे कैसे सेंटेंस बनाओ, तो क्या ऐसे बनाओ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप सीखो, मेरा मोटिव आप सीखो, ना कि आप रटो, आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, लास्ट बता दूँ, ठीक है, क्लास छोड़िए तो प्लेलिस्ट में जाना, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आपने सब्सक्राइब कर लिया, उस प्लेलिस्ट में जाना, क्या है, इंग्लिश स्पोकन बैच, लगभग इसकी 80 प्लस वीडियो हो गई हैं, यहाँ पर जाओ, अगर आप इम्प्रेस हुई है इससे, तो यहाँ इसको देखो, वीडियोज़ को देखो, प्रैक्टिस करो बिल्कुल जीरो से, जो अंग्रेजी को उससे पढ़ सकता है वो भी अंग्रेजी बोल सकता है, अगर इस कोर्स के माध्यम से, अगर आपने ये देख लिया, आपकी बेसिक डेवलप हो गई, सेंटेंस बनाएंगे कैसे, सेंटेंस बनाना है कैसे, प्रैक्टिस करनी है, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, मैंने 4 महीने आपको सब कुछ बताया है, यह भी इंक्लूड रहेगी इस वीडियो में। तो आप देखो, ध्यान से देखो, समझो हाउ टू मेक सेंटेंस। तो यह है आपकी एक छोटी सी क्लास थी, ठीक है, यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने आपको इस क्लास लिए, कल और कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है, मंडे को, और संडे और सैटरडे और संडे को मैं कुछ लाऊंगा, ठीक है, कोई कुछ ना कुछ मैं लाऊंगा, ठीक है, और मैं कल तुम्हें लाइव भी आया तो सकता हूँ लाइव भी आ जाऊँ, ठीक है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्वास रखो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, आप एक बार करके देखो, यह बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है सेंटेंस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, और मुझे इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, अंडरस्टैंड। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एज मच इज़ पॉसिबल यू हैव टू शेयर द स्पीड, अपने व्हाट्सएप पर करें, फेसबुक पर करें, टेलीग्राम पर करें, यूज़ करते हैं ना, अच्छी जगह यूज़ करो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, बहनों को, ठीक है, अंडरस्टैंड, उनको भी कर देना, ठीक है, तो वो भी सीख जाए, क्योंकि वी हैव टू शेयर अवर नॉलेज। तो यह क्लास थी इंटेलिजेंट बॉक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।